समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रहीं। गैंगस्टर एक्ट में इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बताते हुए उनके भाई रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, इसराइल आटेवाला और शौकत अली को गिरोह बनाकर अपराध के द्वारा संपत्तियां अर्जित करने की बात कही गई थी। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा करने के बाद अब पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। विवेचना इस मामले में कर ली गई है और चार्जशीट जल्द ही, ये कहा जा रहा है कि इसी महीने की आखिर तक कानपुर पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देगी और उसके बाद अपराध के द्वारा अंकित अर्जित की गई संपत्तियों के चिन्हीकरण का काम भी चल रहा है और उन्हें इसके बाद उस पर प्रभावी कार्रवाई कानपुर पुलिस करने जा रही है। यानी साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में जो मुकदमा लिखा गया था, अब संपत्तियां जो अवैध रूप से कानपुर पुलिस दावा कर रही है अर्जित की गई थी, उन पर प्रभावी कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।